राइट। उसके बाद हमने किया था हाउ टू अरेंज द इंटीजर्स राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देन वी हैव डन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। क्या होती थी बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू? व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू? कौन बताएगा? एनी वॉलंटियर प्लीज रेज योर हैंड जिन लोगों को आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। चलिए फिर आप नहीं बताते तो मैं बुला लेता हूँ किसी को। परमवीर सिंह फ्रॉम सेक्शन 6B। परमवीर सिंह हाँ जी बच्चे बताइए जरा क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू? क्या होती है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू? सर फिर से बोलना। ये लिखा हुआ है देखो दिख रहा है क्या लिखा हुआ बेटा? क्या लिखा हुआ बेटा ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू वैल्यू? क्या होती है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू? ये कैमरा क्यों ऑफ हो गया आपका? हो भाई योर कैमरा इज ऑफ। गया हटा बैठ जाइए बेटा। एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों क्या होती है? ये देखिए किसी भी नंबर की किसी भी इंटीजर की वैल्यू राइट जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जो नंबर सपोज यहाँ पे मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6 की, तो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 6। एंड इवन इफ आई टेक -6 तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इज आल्सो +6। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है उसमें हम साइन को नहीं लेते। इज इट क्लियर? यस और नो? यस राइट। नाउ टेल मी वेदर यू नो द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स और नॉट। बच्चे आप लोगों को एडिशन आता है इंटीजर्स का? एडिशन ऑफ इंटीजर्स यस इसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा मैं बता देता हूं आपको। देखिए व्हेनेवर यू ऐड टू इंटीजर्स विद सेम साइन, टू इंटीजर्स विद सेम साइन फॉर एग्जाम्पल आपने 6 और 8 को ऐड किया, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? अरे आपको ये भी नहीं पता बच्चों 6 + 8 नेचुरल नंबर्स में भी किया है ना? 14 14 14 आप लोग बेटा कुछ तो रिस्पॉन्ड करो ना बेटा। हम यहाँ सिर्फ सुनने के लिए थोड़े आए हैं बेटा। यू हैव टू टेल मी नाउ इफ यू टेक -6 +-4 व्हाट विल बी द आंसर? नाउ हियर बोथ दोनों का सेम साइन है बट दे आर नेगेटिव, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ऐड द नंबर। व्हाट इज 6 + 10? 10 +4 इज 10 और कॉमन साइन कौन सा है बच्चा दोनों का? नेगेटिव, तो इट विल बी -10। -10 इज इट क्लियर? तो यस बच्चों जब भी आपको ऐड करना है दो इंटीजर्स को राइट एंड इफ दे हैव द सेम साइन वेदर बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव यू जस्ट नीड टू ऐड द नंबर्स एंड पुट द कॉमन साइन। इज इट क्लियर? व्हाट हैपेंड यस सिक्स एफ? बच्चे 15 मिनट हो गए क्लास शुरू हो गए और आप अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे हो राइट बच्चों। तो एडिशन कैसे करते हैं? व्हेन देयर इज सेम साइन जस्ट ऐड द नंबर एंड पुट द कॉमन साइन। कॉमन साइन मतलब यहाँ पे दोनों टर्म्स पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव साइन, यहाँ दोनों टर्म्स नेगेटिव थी तो नेगेटिव साइन। दिस इज क्लियर? सर यस
बच्चे जहां पे डाउट हो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। नाउ टेल मी -4 प्लस व्हाट विल बी -16। हाँ जी बच्चों, हाँ बताइए बेटा। सेक्शन सिक्स बी -20 -20। वेरी गुड बेटा, दोनों का सेम साइन है, सो वी हैव एडेड एंड पुट द कॉमन साइन। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों, व्हेन द साइंस आर डिफरेंट, व्हेन वी ऐड टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस और विद अपोजिट साइंस। राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से -8 +3। देखिए बच्चों, जब भी आपके पास टू नंबर ऐड करने हैं, टू इंटीजर ऐड करने हैं एंड बोथ हैव द अपोजिट साइज, डिफरेंट साइज, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम द ग्रेटर वन। यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है बेटा, कौन सा नंबर ग्रेटर है? सर, एट। एट में से 3 सबट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 5। सो सबट्रैक्ट द स्मॉलर वन फ्रॉम द ग्रेटर वन एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर वन। राइट राइट, सो यस दिस इज द वे टू सॉल्व द एडिशन एंड सबट्रैक्शन। इज इट क्लियर? सर, चलिए कुछ एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ बेटा आपको। टेल मी द आंसर, -12 +17। -5 हाँ जी, +12 और -5। सर, -5 -5 है ना? फाइव अच्छा, -5 वाले कितने हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई भी नहीं, अभी आवाजें तो आ रही थी मुझे। और +5 वाले, +5 वाले जा रहे हैं। बच्चे ग्रेटर टर्म कौन सी है, विच इज अ ग्रेटर टर्म? 17 का साइन कौन सा है बेटा, प्लस? प्लस तो कौन सा साइन आएगा? प्लस तो बच्चे साइन ऑलवेज ऑफ द ग्रेटर टर्म। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। नाउ इनको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? नाउ वी हैव 3 टर्म्स, हाउ टू सॉल्व देम? अगर आपके पास 3 टर्म्स है तो आपको कैसे सॉल्व करना है? नाउ बच्चों, पहले 2 टर्म्स को सॉल्व कीजिए, जो उनका आंसर आ जाएगा, फिर थर्ड को सॉल्व कीजिए। हाँ जी बच्चों, हो गया, हो फोर रहा है। चलो चेक कर लेते हैं बेटा, पहले हम ये दोनों टर्म लेते हैं। ये दोनों टर्म लिए बेटा, -3 +7, व्हाट विल बी द आंसर? -3 +7। बच्चे ग्रेटर टर्म कौन सी, फोर 4। फोर फोर आ गया बेटा, समझ में आया? यस 7 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, और 7 का साइन पॉजिटिव है तो +4। सर राइट, नाउ +4 +-8, 8 ग्रेटर है, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट इज द आंसर? -4 4 आ जाएगा, और 8 का साइन नेगेटिव है ग्रेटर टर्म का, तो आंसर विल बी
तो राइट, यस नाउ वी अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन समझते हैं बच्चे? सब्ट्रैक्शन हैव यू डन बच्चों? आपने किया है सब्ट्रैक्शन या नहीं? आता यस है सबको? सर यस। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे लाइक क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम लेट्स से -7, तो व्हाट यू हैव टू डू? सबसे पहले इसको प्रॉपरली हम लिखेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करना है -7 में से, राइट? -7 -4, इज इट क्लियर? यस नाउ अब यहाँ पे कैसे करना है देखिए बेटा, एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, इज इट क्लियर? तो हमने इनको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, -7 -4, अंदर प्लस साइन था तो प्लस और नेगेटिव साइन बाहर है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर होता है -7 -4 तो क्या हो जाता है बेटा, -7 ये माइनस है और अंदर भी माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया तो इट वुड हैव बीन प्लस। तो ब्रैकेट को आपने जब भी ओपन करना है और अगर ब्रैकेट के बाहर साइन नेगेटिव है तो साइन विल बी चेंज, इज इट क्लियर? यस चलिए अब यस आगे करते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स जो हैं दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव, सर तो क्या करेंगे हम, सेम साइन वाला केस लगाएंगे। यस सेम साइन के केस में क्या होता है बच्चों, प्लस प्लस ऐड कर दिया, 7 + 4 कितना होता है 11, सही और कॉमन साइन डाल देंगे, व्हाट इज द कॉमन साइन, 11 -11 -11 और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे दूसरे केस में, -3 -3, तो फिर क्या होता है, -3 दोनों अपोजिट साइंस है तो ग्रेटर में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यस और नो? यस तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 3, और ग्रेटर टर्म 7 है तो साइन किसका आ गया, माइनस -3 का। ठीक है बच्चों, ये किसी बच्चे को कोई चीज ना क्लियर हो प्लीज टेल मी, देखने में आसान लग रहा है बेटा, इतना आसान नहीं है, आप बहुत गलतियां करोगे इसमें, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय डूइंग इट। बढ़िया बाकी असाइनमेंट निकालिए बेटा जो हमने लास्ट टाइम की थी, प्लीज ओपन योर असाइनमेंट्स। अच्छा लास्ट टाइम हमने एक टर्म और की थी, सक्सेसर और प्रीडिसेसर, याद है बच्चों यस क्या होता है सक्सेसर? सक्सेस सक्सेसर मीन्स +1, प्रीडिसेसर मीन्स -1। यस, बाकी बच्चे भी कुछ कंट्रीब्यूट करो बेटा, एक ही स्टूडेंट बोले जा रहे हैं सारे क्वेश्चन के आंसर, नो वन फ्रॉम 6 A B C E F, ओनली द आंसर्स आर फ्रॉम 6 D फ्रंट बेंच, दैट्स इट, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्डिंग। चलिए बच्चों वी हैव डन टिल क्वेश्चन 1 ऑफ मॉड्यूल 2, ठीक है बच्चों यही किया था हमने। यस नाउ जिस बच्चे से पूछा जाएगा वही आंसर करेगा, ठीक है जी। यस नाउ क्वेश्चन 2, द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ द नंबर -6 इज, हाँ जी बच्चे सहज भाटिया 6D, आ जाओ बेटा। हाँ जी, व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ -5 -5, कैसे आया बेटा?
देखो हमने क्या बोला है कि सक्सेसर के लिए प्लस वन, प्रीडिसेसर के लिए राइट। तो हमने क्या बोला गया है, प्रीडिसेसर ऑफ -6, मतलब -6 में से क्या करना है, -1। -1। जब -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5, -5 आएगा। -7, दोनों के साइन सेम है 6 और 1 का, तो दोनों को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, कॉमन साइन लगा देंगे। बच्चे नंबर लाइन पे देखिए, ये -6 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -5 आएगा या -7 आएगा, -7, -7। और ये कितना है, -5, तो जब भी बेटा पीछे की तरफ आते हैं हम, दैट इज लेफ्ट, लेफ्ट वाला प्रीडिसेसर होता है और राइट वाला, ठीक है भाटिया साहब। हाँ जी सहज भाटिया, ठीक है बेटा, समझ यस सर, यस सर, आया आपको, क्या यस। समझ आया। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -12। हाँ जी सहज बताइए बेटा, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -12। -2। -2, सक्सेसर ऑफ -12। बैठ जाइए बेटा, माइनस है जी, कैसे -11 आया बेटा -11, पीछे से बोला इसलिए आया, साथ वालों ने बोल दिया है ना, इसलिए आ गया बेटा। बताएंगे आप कैसे आया बेटा, एग्जाम में कोई आपको बताने नहीं आएगा, सिट डाउन। हाँ जी चाहत फ्रॉम सेक्शन सी, चाहत सेठी, सेक्शन सी। हाँ जी बच्चे, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -15। सक्सेसर ऑफ -15 बोलिए बेटा, हाँ जी मॉर्निंग हाँ सर। जी, हाँ जी मॉनी जी बताइए, सक्सेसर ऑफ -15, -16। -16। वेरी गुड, इट्स टोटली रॉन्ग बच्चे। सक्सेसर का मतलब होता है ऐड करना, नेगेटिव नंबर मतलब बड़ा नंबर, एक नेगेटिव नंबर में अगर नंबर न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी हो रही है तो नंबर छोटा हो जाता है बेटा। -15, देखिए क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, -15, हम इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा और इधर जा रहे हैं तो रिड्यूस होगा, इज इट क्लियर। तो आप बताओ सक्सेसर क्या है, -16, -16। अभी भी सक्सेसर -16 है बेटा। सक्सेसर होता है नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मतलब ग्रेटर वन, ग्रेटर किस तरफ जा रहे हैं हम, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, राइट। तो फिर आप लेफ्ट क्यों बोले जा रहे हो -16। चलिए असाइनमेंट निकालिए जरा, असाइनमेंट कहाँ है बेटा आपकी, आप वाले बच्चे से ले लो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द सम ऑफ -23, 18, -26 एंड -57। प्लीज डू दिस क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल 2 एमसीक्यू, सेकेंड पेज पे है बेटा, जो देखो नंबर 3। एवरीवन प्लीज डू, आप अपनी सीट पे जाइए और कीजिए क्वेश्चन ये वाला, एवरीवन प्लीज डू द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स -23, 18,
-26 एंड -57। प्लीज डू इट। हाँ जी बच्चों, कैप करके कीजिएगा। पहले फर्स्ट टू टर्म्स ऐड कर लो और इधर से दोनों टर्म्स ऐड कर दो, फिर जो इनका रिजल्ट आएगा उनको ऐड कर दो। सर -88। बेटा मैंने पूछा था आपसे, सर कौन बोला बच्चा? प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। मैं देख रहा हूँ बेटा, ये सेक्स 6B में दोनों स्टूडेंट स्टैंड अप, फ्रंट बेंचर, बोथ ऑफ यू स्टैंड अप। बच्चे आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, बट गिव द चांस टू द अदर आल्सो ना। जब तक पूछा ना जाए यू विल नॉट रिस्पॉन्ड, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है बेटा, प्लीज टेक केयर। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? ओनली 1, 2, 3, 4, ओनली टू स्टूडेंट। बाकी लोग जल्दी से कीजिए बेटा। हाँ जी, जस्ट करन फ्रॉम 6C। जस्ट करंट फ्रॉम 6C। हाँ जी बेटा, कर लिया आपने? हाँ यस जी, बताइए जरा, -23 + 18 कितना होगा? क्या सर, -88 बोल रहे हो आप? मैंने बोल रहे आंसर नहीं पूछा आपसे पूरे क्वेश्चन का। जस्ट लुक एट द बोर्ड, इन दोनों का आंसर कितना होगा? -23 + 18। टेल मी, -31। 31 कैसे आया बेटा? 31 दोनों के साइन सेम है या अपोजिट है? बेटा दोनों के साइन सेम है या अपोजिट है? नो, अपोजिट साइन में क्या करते हैं? माइनस माइनस किस में से किसको करेंगे? 23 to 18, कितना आएगा? फाइव। फाइव साइन क्या होगा उसका? ये दे पीछे से आवाज क्यों आ रही है? हु वन इज हेल्पिंग? क्यों दे हेल्प कर रहे हो आप लोग? टीचर प्लीज टेक केयर, इट्स योर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द डेकोरम इन द क्लास। तोड़ हाँ जी बच्चे, बोलिए जरा। यस, -23 + 18, व्हाट विल बी द आंसर बेटा? दे बच्चे आपने वो पहले जो आंसर दिया -88, वो किसी से चीटिंग किया था? बताइए जरा मुझे। टेल मी बेटा, किसी से चीटिंग किया आपने? यस और नो? यस बेटा अगर आपको नहीं आता तो यू शुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ना। आपने क्वेश्चन तो पूछा नहीं है।
अगर नहीं आता तो चुपचाप होके थोड़े बैठना बेटा क्लास में। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, -23 और 18। एक नेगेटिव टर्म है और एक पॉजिटिव टर्म है, मतलब दोनों के साइन अपोजिट है। तो ग्रेटर वाली टर्म कौन सी है? 23। 23 में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया? 18 को। तो कितना आ जाता है? 5। और ग्रेटर टर्म कौन सी है? 23। तो इसका साइन आ जाएगा हमारे पास, ये आ गए -5। अब हम दूसरी ब्रैकेट पे चलते हैं, यहाँ पे दोनों टर्म जो है वो सेम साइन है, -26 भी और -57 भी। व्हेनेवर देयर आर सेम साइंस वी ऐड द नंबर्स। आप 57 और 26 को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है मुझे बताइए जल्दी से जरा। 83। 83। अब दोनों का साइन कॉमन सेम है तो कॉमन साइन लगा देते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है बच्चों। सबको समझ में आ रहा है? किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा तो प्लीज टेल मी। देखिए जब भी आपके पास सेम साइन होंगे तो यू ऐड द नंबर्स एंड पुट द कॉमन साइन। इज इट क्लियर? इसके बाद क्या है, -5 और -83, यहाँ पे सेम साइन है बच्चों, अपोजिट साइन है। इन साइन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 88। साइन कौन सा होगा? -88। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है? यस। चल जल्दी से नोट करो, जिनको किसी को डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो आप क्वेश्चन। कर जाइए बेटा, जस्ट करण प्लीज सिट डाउन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सम ऑफ द इंटीजर। बच्चे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, राइट? एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो नंबर आता है, सपोज इफ आई हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर, लेट्स से नंबर इज -100, तो व्हाट विल बी इट्स एडिटिव इनवर्स? +100। एडिटिव इनवर्स इज दैट नंबर जिसको ऐड करने से किसी नंबर में आंसर विल बी 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सम ऑफ द इंटीजर्स, और इंटीजर्स कौन कौन से हैं? -9853 एंड -3187। इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कीजिए, व्हाट इज द आंसर प्लीज टेल मी। प्लीज ऐड दीज टू नंबर बच्चों, और जिससे पूछा जाएगा वही आंसर करेगा बेटा। हो गए जी, पढ़ परमवीर सिंह फ्रॉम सेक्शन 6B। परमवीर फ्रॉम सेक्शन 6B प्लीज कम। हाँ जी बच्चे, करना जरा दोनों को ऐड बेटा, यहीं सर अभी सॉल्व कर रहे थे। पे खड़े होके कर दो, क्योंकि वहां जाके तो होगा नहीं, सीट पे बैठ के तो कंफर्टेबल हो जाओगे आप। जल्दी से करो जरा, बताइए।
हाँ जी, कितना हुआ बेटा? 1,000, 40, 1,000 40, 40 प्लस में माइनस में? अच्छा यस पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव वाई नेगेटिव? नेगेटिव हाँ जी वाई नेगेटिव। साथ वालों से देख के पूछ लो, है ना। दीज टू गर्ल्स यू आर स्पॉइलिंग द डेकोरम ऑफ द क्लास बेटा। बोला सर, दोबारा बोलना व्हाट इज द साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर। नेगेटिव व्हाई? सर। नेगेटिव इज अ बिगर टर्म, नेगेटिव है जी। इज अ स्मॉलर टर्म। अच्छा ध्यान से सुना नहीं है आपने जो बताया पीछे वालों ने? अगली बार से ध्यान से सुना करो, है ना। पॉजिटिव ओके बोला था उन्होंने, नेगेटिव बोला था? ये अगर आपको नहीं आता है तो यू शुड आस्क द क्वेश्चन ना, रादर की कोई साथ वाला आपको बोल रहा है, आप उसका बोला हुआ आंसर कॉपी करके आगे बोल रहे हो विदाउट नोइंग वेदर दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट। बच्चे नेगेटिव साइन इसलिए आएगा कि वी आर एडिंग एंड दीज टू साइंस, दीज टू टर्म्स आर ऑफ द सेम साइन दैट इज नेगेटिव। ये दोनों टर्म्स नेगेटिव साइन की है और जब हम नेगेटिव साइंस को ऐड कर रहे हैं तो कॉमन साइन आ जाता है बच्चा। प्लस प्लस व्हाट हैपन टू योर वीडियो? यस वीडियो ऑफ कर दिया आपने बेटा? कल ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा? 7,3,0,9 और 5,4,1,2,0 ये आ रहा है बच्चों। सर यस नाउ व्हाट विल बी इट्स, व्हाट विल बी इट? थर्टीन एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका बच्चों? बोलिए एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं बच्चे? ये साइन जो होता है चेंज हो जाता है, तो आंसर विल बी 1,3,0,4,0। दिस विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13,040। तो कौन सी ऑप्शन गिवन है इसमें? डी प्लस सर ऑप्शन बच्चों। डी ऑप्शन ऑप्शन है ना? सर, डी ऑप्शन हाँ जी ठीक से डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। विच साइन विल कम इन द बॉब टू मेक द एक्सप्रेशन ट्रू? हाँ जी बच्चों देखिए थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ आपको ये। देखिए बच्चों -6 प्लस -5 -2, यहाँ पे बॉक्स है बच्चों, राइट। -6 ये विजिबल है बेटा लास्ट वाला? ठीक है विजिबल है ये। नाउ आपको क्या करना है बच्चे, इनको सॉल्व कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ पे कौन कौन से साइन आ सकते हैं, इधर इक्वल का, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है यस सर। यस जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों इसको। नॉन ऑफ दीज आ सकता है बेटा साइन? डी ऑप्शन आ सकती है यहाँ पे? नहीं आएगी बेटा, या तो बेटा इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, तो जल्दी से चेक कीजिए। सिक्स डी फ्रंट बेंच गर्ल स्टूडेंट्स, अपना अपना करो बेटा, नो टीम वर्क।
हाँ जी डन, जल्दी सर। से फिनिश कीजिए बच्चे इसको। हाँ जी बच्चे, हाँ जी दिलप्रीत फ्रॉम सेक्शन 6 सर, दिलप्रीत फ्रॉम सेक्शन 6 सर। अच्छा अपनी असाइनमेंट और वो लेके आना नोटबुक जहाँ पे आप कर रहे हैं। दिलप्रीत अच्छा मैंने बोला आपको अपनी नोटबुक और असाइनमेंट लेके आओ। हैव यू नॉट हर्ड प्रॉपरली? इक्वल्स टू सर बेटा मैंने पूछा है आपको आपकी असाइनमेंट और नोटबुक कहाँ पे है? सर ये आपकी है? डोंट इसकी है सर। ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट व्हेन आई आस्क यू, यू ब्रिंग योर सेल्फ योर ओन। टीचर प्लीज लुक इनटू दिस। हाँ जी बताइए, इक्वल आपने बोला, इक्वल इक्वल साइन कैसे आया? जस्ट लुक एट मी, लीव द लीव इट असाइड, टेल मी हाउ इक्वल साइन सर बिकॉज नंबर्स आर सेम। कैसे सेम आए बताइए मुझे जरा। -6 + -5 कितना होता है? सर 11। 11 है ना। यस उसके बाद क्या किया? फिर सर -2। हाँ -2 करने से क्या आया? 11 - 2 सर 9। 9 आया। और दूसरी तरफ कितना आया बेटा? कैसे सर दूसरी तरफ भी 9 आया। सर बोल तो पूछ रहा हूँ मैंने, कैसे आया बेटा? जैसे सर वो किया था वैसे ही आया है। बच्चे पेपर में ही लिख के आएगा बेटा, जैसे वहां पे सेम किया था ऐसे ही किया है ना। आंसर भी ऐसे, टीचर ने भी फिर ऐसे लिखना, वहां पे भी 0 दिया है यहाँ पे भी 0 दिया है, सर ऐसे ही होगा ना। फिर खुद आपको आता नहीं है, पीछे से कोई बोल रहा है और आप उसको कॉपी करे जा रहे हो। सिट डाउन। हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए जरा। सेक्शन ए से वरुण दीप, सेक्शन ए वरुण दीप आ जाओ बेटा। माइक ऑन कीजिए पहले। टीचर मेक श्योर इफ एनी स्टूडेंट डोंट नो ही और शी डज नॉट टेक द हेल्प ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द डेकोरम इन द क्लास। वी आर हेयर टू टीच देम, नॉट टू टेल देम हाउ टू कॉपी। हाँ जी बेटा वरुण दीप कहाँ पे हो बेटा आप? हाँ अच्छा आप कैमरा पे आ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी बच्चे बताइए जरा क्या क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको। -6 + -5 हाउ मच? -11 -11, -11 - 2 सर -9 हाँ? -9 -9 कैसे आया बेटा? बच्चे सर दोनों का साइन सेम साइन है, नेगेटिव नेगेटिव, तो इनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करने पे -9 आ रहा है। हाँ जी -30 -13 अब आ जाओ राइट साइड पे, यहाँ पे पहले एक ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। -5 - 2 कितना हो जाएगा बेटा? हाँ जी
माइनस सेवन और ये माइनस सिक्स है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -30 -13, तो क्या आएगा बीच में, +2 इक्वल टू। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। सर, अगेन सर इट इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन बाय -2 मैम। इट इज सर, इट इज नॉट द नेगेटिव साइन, इट इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। वेयर, इट इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन सर। द आंसर विल बी सर, द आंसर विल बी बी। जस्ट ए मोमेंट, जस्ट, ये बोलो बच्चे आप बोल रहे हो, यस यस सर, टू इज जस्ट ए पॉजिटिव। मोमेंट, यू हैव आस्क द क्वेश्चन, नाउ लेट मी रिप्लाई बेटा। राइट, व्हेन यू सॉल्व देम व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर बेटा, सर माइनस माइनस प्लस, सो आंसर विल बी -11। जस्ट ए मोमेंट, देर इज ओनली वन माइनस, देर इज नो अदर माइनस, देर इज ओनली वन माइनस, माइनस माइनस प्लस कब होते हैं बेटा, व्हेन देर इज, सी ये ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है ना बेटा, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक यस सर, बट इट इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, सो सर द आंसर विल बी बच्चे, साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, व्हाट यू मीन बाय साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, इज इट दिस फॉर्म और दिस फॉर्म, दोनों सेम है, देन सर नो देन टेल मी बेटा। सर, टू इज इन पॉजिटिव। ये इस तरह से है ये, बट पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना फिर तो हम, व्हेन इट इज पॉजिटिव देन यू आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट इट, इज इट और नॉट, ओके सर, व्हेन यू आर नॉट एडिंग बेटा, देन यू आर नॉट एडिंग देम, सी इफ इट वुड हैव बीन दिस केस देन इट वुड बी प्लस एंड इट वुड हैव बीन -9, इज इट क्लियर। अच्छा आपने ही पहले उसको -9 बताया था, कौन था वो बच्चा, जसकरन क्या नाम था उसका, ओके सर, है ना, इसलिए उसने गलत बोला था, दिलप्रीत, इज इट क्लियर, यस सर, और कोई डाउट बेटा, सी नो व्हेन इट इज ऑलरेडी नेगेटिव, आपके पास सी वाली फॉर्म थी ना, देन दिस मीन इट इज अ नेगेटिव टर्म, ठीक है जी, सर। एनी अदर डाउट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ जी नेक्स्ट तो बहुत इजी है, फाइंड द सम ऑफ द थ्री इंटीजर्स लाइज बिटवीन -2 एंड 2। नाउ बच्चे, जसदीप सिंह, जसदीप सिंह फ्रॉम सेक्शन 6F, आ जाओ बेटा आगे आ जाओ जल्दी में, बेटा ये दो नंबर गिवन है -2 एंड 2, इनके बीच के तीन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, विच आर द थ्री इंटीजर्स बिटवीन, लुक एट द स्क्रीन, नो हेल्प फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स, हू एवर आई विल फाइंड हेल्पिंग हिम आई विल सेंड हिम और हर आउट, जस्ट बेटा जस्ट लुक एट दिस, -2 एंड 2, प्लीज टेल मी विच आर द थ्री इंटीजर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, सर -1 अच्छा 0 एंड 1। और इसके बाद वाले कौन से होते हैं बेटा, इफ आई आस्क टेल मी थ्री इंटीजर्स आफ्टर टू, सर 3
फोर एंड और फाइव -2 से लेफ्ट साइड पे सर, -3, -4 एंड -5 ये कौन बता रहा है बेटा, दूसरी तरफ से कोई somebody is helping you? सर, नो अच्छा आप उधर देख देख के आंसर रिप्लाई कर रहे हो ना, ये राइट साइड ऑफ यू समवन एल्स इज हेल्पिंग यू। चलिए अब आपने बताया इन दोनों के बीच में बी नंबर का रहा, बताइए जरा कौन कौन सा है बेटा। सर, -1, 0 एंड 1। -1, 0 एंड वन, इफ यू ऐड देम व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट इज द आंसर व्हेन यू ऐड दीज थ्री नंबर्स? सर आंसर इज -1। -1। कैन वी क्लैप फॉर यू? बेटा लुक हियर, इन दोनों को ऐड किया आंसर कितना आ गया? सर -1। -1। -1 में +1 ऐड किया तो क्या आंसर आ गया? वन कैसे है बेटा वन? बच्चे एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है और दोनों इक्वल है तो आंसर क्या आएगा? -1। -1। पहले +1 बोल रहे हो, कभी -1 बोल रहे हो। तो बच्चे ये दोनों सेम नहीं है, 1 और 1, ये एडिटिव इन्वर्स हो गया इसका। तो यस सर, यस, आंसर क्या आएगा? 0। जीरो। Is it clear? यस Please sit down. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है बच्चों। हाँ एक्सक्यूज मी सर, जी, सर आवर फर्स्ट पीरियड इज स्टार्टेड। इट इज ऑन 9:30 और 9:25। सर 9:20। ओके ओके स्टूडेंट्स, देन यू कैन प्लीज लीव एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक्स अ लॉट टीचर्स।